हेलो, आप सभी कैसे हैं? आज गणित की एक महत्वपूर्ण मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर हम संपूर्ण गणित को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, संपूर्ण अंकगणित को, जितने भी अध्याय आपके सिलेबस में हैं उन सभी अध्याय को पढ़ेंगे। और ये प्रयास करेंगे कि उन उन टॉपिकों को ज्यादा पढ़ने का जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। अगर आप परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। जी हाँ, क्योंकि आज हम लोग वही पढ़ेंगे जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आता है। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण। हमने आपके लिए छुट्टी लेकर रखा हुआ ताकि आप लोग हमारे साथ मिलकर पढ़ें और अपना बेहतर दे सके। ये वीडियो काफी बड़ा हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा इसे हम एक से बाद अगले अध्याय में लेकर आएंगे, दो पार्ट में। मैंने अगर अभी तक आपने गणित नहीं पढ़ा था या अभी तक आपने गणित की सीरीज को पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो अब यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम थ्योरी आपको बताएंगे सभी तरह से, क्योंकि हम ये चाहते हैं हर हाल में अब की बार आप इतना बेहतर तरीके से पढ़े ताकि अपने माँ बाप, अपने परिवार को एक सरकारी नौकरी की सौगात दे सके। और ये सौगात उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन तब जब आप अपना बेहतर और अपना बेस्ट देंगे। गणित वास्तव में अपने आप में लगता है यार बहुत कठिन है, गणित में कैसे स्कोर करें, गणित में हमेशा डर सा लगता है। लेकिन आज की सीरीज पढ़ने के बाद, अगर अभी तक आपने गणित नहीं पढ़ा था, गणित पढ़ने में कोई समस्या रह गई थी, कोई टॉपिक छूट गए थे, तो सारी चीजें आज आपकी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि अभी की बार हर हाल में टेट पार। चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेस आपके साथ मिलकर। जी हाँ, सभी थियरी हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा पहला टारगेट होगा थियरी पढ़ना और साथ ही उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। तो चलिए, आप लोग जल्दी से पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को, जो भी साथी मित्र आपके साथ इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि स्वयं सफल होइए और अपने सभी साथी मित्रों को भी अब सफलता के सौगात की तरफ लेकर चलिए। आज की क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास होगी और एक ऐतिहासिक क्लास भी होगी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अंक क्या होता है। यहां से सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि अंक क्या होता है। अंक गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जो क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। याद रहे, इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, इन्हीं अंकों से भी मिलकर हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। शून्य एक असार्थक अंक है। क्या है? एक सार्थक असार्थक अंक है, जबकि शेष सभी सार्थक अंक है। ये चीजें याद रखिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल आता है। अब बात करते हैं संख्या, तो हमने देखा कि अंकों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आइए संख्याओं के प्रकार देखते हैं, संख्याओं के प्रकार देखते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, इसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, वे संख्या है जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात गिनती की जो संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये गिनती की संख्या क्या होती है, आप बचपन में गिनती कहां शुरू किए थे? आपने पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 5, माने गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्रकृति में पहली बार अपने आप से आई थी, इसलिए हम इसे प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रहे, इसमें 1, 2, 3 होगा। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात अनंत होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट 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 अनंत। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी जो होती है वो ज्ञात ही नहीं कर सकते, अनंत होती है। प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। तो जैसे अगर 5 की अनुवर्ती पूछेगा तो क्या होगी, 6। अगर किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, अगर किसी संख्या में 1 घटा देते हैं तब हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या में यदि 1 जोड़ते हैं अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है, 1 कम कर देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। शून्य को हम गिन नहीं सकते, इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह लाइन याद रखिएगा कि शून्य को हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए शून्य जो है, 0 क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जानते रहिएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, एक टॉपिक है आपके सामने पूर्ण संख्याएं।
जी हाँ, व्होल नंबर। व्होल नंबर क्या होता है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर हम और आप देखें, अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, माने सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होता है 0, और सबसे बड़ा जो होगा वो अनंत होगा। जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा? अनंत होगा। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिया। बाकी प्राकृतिक संख्या वाला ही नियम रहेगा, सबसे बड़ी अनंत है। प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो सीधा कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके पूछेगा। अब हम और आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो कर लेते रहें, बाकी आपकी मर्जी। एक बार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सभी साथी फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। आज की क्लास यादगार होगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरे सिलेबस को हमें आपके साथ मिलकर पढ़ना है, ठीक है। पूरा सिलेबस हमें आपके साथ मिलकर पढ़ना है। आगे आते हैं, जैसे आप एग्जांपल हमारे आपके सामने है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आइए इसके बारे में और बातें हम लोग जानते हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या जो होती है वो अनंत होती है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती, ध्यान रहे, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शून्य को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वह पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन शून्य जो है वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वह एक पूर्ण संख्या है। यह बात आप लोग याद रखिएगा, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखते हैं कि अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। हम किसकी बात करेंगे कि पूर्णांक की। देखिए यहां से भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, आइए हम इनको भी रट लेते हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनको भी क्या करते हैं, हम लोग रट लेते हैं, इन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, रट लेते हैं, ताकि हमें अध्यापन में काफी आसानी हो जाए। आइए यहां पर हम लोग बात करेंगे आपके साथ मिलकर कि पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याओं शून्यों प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। माने अगर इन्हें हम संख्या रेखा प्रदर्शित करें तो यहाँ हो गया, देखिए एक लाइन बनाते हैं, 0 हो गया। इसके दाईं तरफ जाएंगे तो धन पूर्णांक, इसके बाईं तरफ जाएंगे तो ऋण पूर्णांक। माने सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य सहित ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां से भी आपकी परीक्षा में सवाल आता है, एक नंबर का, रट लीजिएगा। अब बात करते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सभी संख्याएं सम संख्या होती है। सम संख्या दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक सम संख्या होती है, एक ऋणात्मक सम संख्या होती है। दो क्रमागत सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा दो होता है। दो क्रमागत सम संख्या हो, दो क्रमागत विषम संख्या हो, इनका जो अंतर होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, हमेशा दो होता है, याद रखिएगा। क्योंकि आपकी परीक्षा में, आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये सीरीज काफी बड़ी होने वाली है आज आपके लिए। आगे हम बात करते हैं, आगे अगर हम यहां पे बात करें आपके साथ, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है, सबसे बड़ी छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि दशमलव में भी आती हैं, दशमलव के बाद भी आती हैं, दोनों तरह से होती हैं। विषम संख्या है वे संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो पाती, जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे सभी विषम संख्या होती हैं। ये भी धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक होती है। सेम कंडीशन, दो विषम क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा दो का होता है। सबसे बड़ी सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम और आगे चलते हैं, भाज्य संख्या। यहां से आपके परीक्षा में सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आइए, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। ध्यान रहे, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वह ये तो स्वयं से करती है, एक तो स्वयं से करती है, दूसरा वो एक से करती है। याद रहे, दुनिया का कोई भी संख्या हो, एक दो चीजों से कटेगी, एक स्वयं से और एक एक से। इसके अलावा यदि किसी तीसरी संख्या से कटती है तब उसे हम कंपोजिट नंबर, यौगिक नंबर या भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर हम 4 की बात करें, जैसे यहां पर अगर हम 4 की बात करें, तो 4 किससे किससे कटेगा, एक तो एक से कटेगा, एक 4 से, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा। इस प्रकार 4 क्या हो गया, एक भाज्य संख्या होगी। 4 क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, याद रखिएगा। दूसरा नोट रखिएगा, 1 जो होता है यह न तो भाज्य है
और न ही न तो अभाज्य है। ये रट लीजिएगा, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। मेरा सवाल यहां से परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। जितने लोग, ठीक है जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि सबसे जो छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य की बात करें तो 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है, 9 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो एक सम संख्या भी है। क्या है? एक सम संख्या भी है। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 10, और दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। यहां से भी परीक्षा में आपके सवाल आते हैं। इनको कोई तगा रही है क्या? मेरी आवाज आप लोग तगा रही है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट कर बताइए। इसको कमेंट करके आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप बीच में इंटरनेट इशू हो गया, तो उसके लिए सॉरी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, अब जैसे अभाज्य संख्या क्या है कि वे संख्याएं जो एक से करती हूं और स्वयं से करती हूं, किसी अन्य संख्या से न करती हूं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, हम किसके अंतर्गत लाते हैं, तब हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम ऋण संख्या कहते हैं, इसे हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं। माने हाँ, थोड़ा बीच में इंटरनेट इशू हो गया, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा। अब आवाज आ रही है? जरा कमेंट करके बताइएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर हम लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी देख लिया, चीजों को पढ़ लिया। हम लोगों ने यहां पर देखा कि वे संख्याएं जैसे एक को छोड़कर सभी अन्य से विभाजित होती है, उन्हें अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, यहां से सवाल आता है जो कि मैंने कई बार बताया है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो याद रहे, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर 100 तक के बीच में। पूछ दिया जाए 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है, 1 से लेकर 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। एकदम रट लीजिएगा एकदम, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा सवाल यहां से आता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र है वो 2 है। 2 एकमात्र ऐसी है जो सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे सभी लोग कि जो ये 2 है ये सम भी है, एकमात्र सम अभाज्य है। क्या है? सम अभाज्य है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं सबसे छोटी विषम। तो 3 देखिएगा, सबसे छोटी भी है और विषम है, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, यह भी याद रखिएगा। दूसरा सवाल आप लोग से मेरा फिर है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 2 अंक की जो सबसे छोटी होगी वो 11 होगी और सबसे बड़ी की बात करें तो 97 होगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और हम लोगों ने यहां पर एक चीज और देख लिया कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ये दोनों अनंत होती है। दोनों सबसे बड़ी, चाहे भाज्य पूछे चाहे अभाज्य पूछे, ये अनंत होता है। प्राय पूछा जाता है कि 1 से लेकर 25 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या याद कर लेते हैं तब हमें निकल जाता है। आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, बाकी आपकी मर्जी। यहां सबके परीक्षा में सवाल 110% पूछा जाता है। दूसरी बात, 1 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होगी। सभी लोग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 1 अंक की सबसे बड़ी, तो 1 अंक की सबसे बड़ी देखा जाए तो 7 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी 7, सबसे छोटी 2 होती है, ये दोनों रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सभी साथी सुरक्षित रख लेंगे अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तब।
ये पूरी तरह से मैराथन क्लास होगी। आज ही क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास होगी। चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ की पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। की पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एक न तो भाज्य न भाज, रट लीजिएगा। बहुत बार आप लोग गलती करते हैं, एक न तो भाज्य है न भाज, एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या रूट संख्या 2 है, सम अभाज्य भी यही है, सम अभाज्य। क्योंकि एक नंबर आप देखेंगे प्रीवियस पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, एकदम रट लीजिएगा। ये की पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, सभी लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा कि 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी क्या है, विषम संख्या है। वे सभी क्या है, एक विषम संख्या है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 हैं, रट लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से लेकर 75 तक के बीच में कितनी है, 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी है, 1 से लेकर 25 तक के बीच में कितनी है, इसमें 9 है, इसमें 25 है। तो बताइए कमेंट करके कितने कितने हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं स अभाज्य की, को प्राइम नंबर। यहां से भी सवाल आता है, को प्राइम नंबर 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ विभाजक न हो, उन्हें हम सहभाज्य कहते हैं। माने सहभाज्य में संख्याओं का मस सदैव एक होता है, यह याद रखिएगा। सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका जो मस होता है वो सदैव एक होता है। यह बात अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि जो 2 सहभाज्य संख्याएं होती हैं इनका जो SCF होता है वो हमेशा एक होता है, उनका जो SCF होता है वो सदैव एक होता है। ये एकदम जैसे 4 और 7, इनका SCF 1, 4 9 का SCF 1, 9 16 का SCF 1। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो, एक संख्या अभाज्य भी हो सकती है, भाज्य हो सकती है, दोनों संख्या अभाज्य हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपने देखा कि इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के सवाल का सदैव SCF जो होता है वो एक होता है, एकदम रट लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको पूरी तरह से रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो आपस में जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17, इनके बीच का जो अंतर होता है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल कितना ट्विन प्राइम नंबर है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 1 से लेके 25 तक के बीच में कुल कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है। कितने लोग को समझ में आया, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में यस कमेंट करेंगे, जिसको नहीं आया वो यन कमेंट करेगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्लास होगी आप सभी के लिए। एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, भाई, मित्र, परिवार के सगे संबंधी, ग्रुप, सभी तक पहुंचाएगा, क्योंकि काफी यूनिक, काफी महत्वपूर्ण क्लास आपकी आज की होने वाली है, ठीक है। चलिए हम और आगे चलते हैं, इसके अन्य तथ्यों पर भी आपके साथ मिलकर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है आपके सामने रामानुजन संख्या। यहां से भी सवाल आता है कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। मैंने गणित की सबसे छोटी संख्या, यह गणित की सबसे छोटी संख्या है जो 2 संख्याओं के घनों का योग, 2 युग्मों से बनी हो, माने 2 संख्याओं के घनों का योग, 2 संख्या के घनों का युग्म 2 युग्मों से मिलकर बनी हो, उसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। तो रामानुजन संख्या कौन कौन सी होती है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। जैसे 1 का क्यूब, अगर 1 का क्यूब देखेंगे तो जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1, और फिर 12 का क्यूब 1728, इन दोनों का योग कर देंगे तो 1729। ये किसका क्यूब है कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। सभी साथी अब दूसरा है, जैसे यहां पर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होगा 729, 1 का क्यूब 1000, ठीक, कितना हो जाएगा दोनों का योग
1729, माने ऐसे गणित की सबसे छोटी संख्या जो दो संख्याओं के घनों के योग के दो युग्मों से बनी हो, दो युग्मों से मिलकर बनी हो, ऐसी संख्याओं को हम रामानुजन संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट रख ले। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाकी सभी जो क्लास है, जो प्रैक्टिस सेट है, जो नोट्स है, वो ई लर्निंग विद दुर्गेश इसके ऐप पर होगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या माने ऐसी संख्या, इसे रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे पी और क्यू एक पूर्णांक हो, पी और क्यू एक पूर्णांक हो और जो क्यू का मान हो वो जीरो ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आगे लोग आगे चलते हैं हम लोग, कि जैसे 3/7, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 7/5, 0/7, 5 इसका बटा भी 1 लिख सकते हैं। -7 इसका भी बटा 1 लिख सकते हैं। 6/3/5, तो ये सभी संख्याएं क्या है? एक परिमेय संख्या है, माने जिन्हें भी किसी भी तरह हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां पे दे दिया जाए कि 0.17, इसे भी लिख सकते हैं 17/100, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके प्राय पूछे जाते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसको जहां भी समझ में ना आए कमेंट करिएगा, हम आप लोग को जरूर बताएंगे। उन सभी का थैंक यू। कुछ लोग कह रहे हैं सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। अरे पीडीएफ से ज्यादा समझिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट क्लिक करिए बस। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि आपको जरूरत जो है उसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जितनी आपकी जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत है छोड़ दीजिए। पूरी गणित आपको पढ़ाएंगे, संपूर्ण अध्याय पढ़ाएंगे, आप लोग आराम से पढ़िएगा, लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहिएगा, स्वयं पढ़ते रहिएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि -8 ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या, क्यों? इसका बटा 1 लिख सकते हैं, माने जितने भी पूर्णांक होता है उनका भी बटा 1 लिखा जा सकता है, माने प्रत्येक संख्या को जिनका बटा कुछ नहीं दिया गया है उनका बटा हमें लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लिया जाए -28 इसका भी बटा 1 लिख सकते हैं, -17 इसका भी बटा लिख सकते हैं, माने प्रत्येक संख्या को लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा ट्रिक होता है, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें जहां ट्रिक होगा मैं बताऊंगा ना, इसमें कौन सा ट्रिक है? परिमेय संख्या आपको याद करनी है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। मतलब यहां पर हम लोगों ने देखा परिमेय संख्या में कि यदि परिमेय संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदला जाए तो वे संख्याएं या तो अनावर्ती दशमलव में या आवर्ती दशमलव में परावर्तित हो जाती। दूसरा सवाल, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच के, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? तो याद रहे, जैसे अगर दे दिया जाए एक परिमेय संख्या ए बटे बी है, एक परिमेय संख्या ए बटे बी है, दूसरा सी बटे डी है, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसका एक ट्रिक है, ए बटे बी प्लस सी बटे डी का आधा कर दीजिएगा, तीसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? तीसरी परिमेय संख्या निकल जाती है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी, इसको अगर तोड़ेंगे तो दशमलव के बाद लगातार डट 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, पूरा डट 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 बढ़ता जाएगा, मतलब इतना जितना आप चाहें अंत तक बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे है वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रहे, अपरिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदला जाए तो ये एक संख्या न तो अनावर्ती दशमलव में आएंगी न आवर्ती दशमलव में परिवर्तित होंगी। याद रहे, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पाई का मान है, पाई का 2 1, जैसे अगर हम बात करें पाई के बारे में, पाई हो गया और इसका मान 1 है 22/7, तो ये क्या है? ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा सकता, इसे नहीं लिखा सकता, ये आपका अपरिमेय है। ये क्या है? आपका अपरिमेय है। ये बात याद रखिएगा, पाई स्वयं एक अपरिमेय है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 है यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? चलिए, अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई 22/7 एक परिमेय संख्या है, यह आप लोग रख लीजिएगा। एक वास्तविक नंबर बार बार आपकी परीक्षा में आता है, तो जो प्राइम नंबर है, मतलब जो आपका परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, माने परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए, तब हम उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, तब उसे हम रियल नंबर कहते हैं।
क्या कहते हैं, तब हम उसे रियल नंबर के नाम से जानते हैं। यह बात भी आप लोग जानते रहिएगा, यहां से भी आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे इसे लिख लें, आप चाहे तो छोड़ दें, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला है, जैसे आप जैसे यहां पे दिया है रियल नंबर में 5/6 कर्णीय तीन, मतलब सभी को मिला दिया जाए तो हो जाती है। एक आता है अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, माने वे संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिनकी सिर्फ कल्पना की गई है, उन्हें हम काल्पनिक या वास्तविक संख्या, जैसे माइनस कर्णी में 3, माइनस कर्णी में 7, ये आपको नई चीजें मिली होंगी, याद रखिएगा कि अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अवास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के बीजी नियम। परिमेय संख्याओं को जैसे एक आता है योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक आता है, यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आता है, रट लीजिएगा, एक नंबर यहां से फिक्स आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, और कि शून्य को योगात्मक तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यदि 5 में से शून्य घटा दिया जाए तब भी 5 आएगा, और यदि 5 में शून्य को जोड़ दिया जाए तब भी 5 आएगा। मान यदि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाए, शून्य को जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे योगात्मक तत्समक के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, यहां से भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। सभी को समझ में आ गया? सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तब। एक है गुणात्मक तत्समक। क्या है गुणात्मक तस्मक? माने एक को गुणात्मक तस्मक कहते हैं, क्योंकि इससे किसी संख्या में भाग या गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम 5 को गुणे 1 करें तब भी 5 आएगा, ठीक। यदि 5 को डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तब भी 5 आएगा। माने यदि एक को गुणात्मक तस्मक कहते हैं, योगात्मक तस्मक कहते हैं, गुणात्मक तस्मक कहते हैं, चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यह बात आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा, जैसे 5 में मल्टीपल 1 करेंगे तब भी 5, और 5 में डिवाइड 1 करेंगे तब भी 5। तो मतलब हम लोगों ने सीखा, इसे हम गुणात्मक तत्समक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक के नाम से जानता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक लोगों ने पूछा है सवाल आपके साथ, कमेंट बॉक्स में आपको भी दिख रहा होगा कि कर्णी में 5/1 क्या होगा, तो हो जाएगा कर्णी में 5। यह एक अपरिमेय, यह कौन संख्या होगी? यह अपरिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी? यह अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहां पर है योगात्मक प्रतिलोम, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता? ऐसी दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो, जिनका योगफल शून्य हो, उन्हें हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जिनका योगफल क्या हो? शून्य हो। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका क्या होगा? -5 होगा। अगर इनका योगफल करेंगे, जैसे हम 5 + -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 - 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी के मन में कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो पूछ लेगा। तो इसे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। इसे क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो तुरंत पूछ सकता है। हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर से पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई कमेंट करिएगा, नहीं आया है तो यन कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको समझाते हुए चलें, ताकि परीक्षा में यहां से सवाल है तो गलत ना होने पाए। अब देखते हैं, जैसे आइए कुछ एग्जांपल भी, शायद इसमें कुछ क्वेश्चन आया कुछ नहीं आया है, गलती से इधर उधर हो गया है। चलिए यहां पर ध्यान देना हम लोग को, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। देखिए विभाज्यता का नियम बहुत ही जरूरी है। आप लोग को जो विभाज्यता के नियम से सवाल आएगा वो कौन कौन सा आएगा वो याद रख लीजिएगा। एक आपको
तीन की विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, किसका? तीन का, जो तीन का है वही आपके नौ का है, तीन का नौ का विभाज्यता का नियम सेम है। माने किसी भी, ध्यान सुनिएगा, किसी भी दी गई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होती है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, यदि 3 से विभाजित होती है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यह बात एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात यह आपको कि जो 9 से विभाज्यता का नियम परीक्षा में सवाल आता है कि कोई संख्या गायब कर देगा, स्टार लगा देगा, कहेगा यदि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या लिखी जाए, सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी जाए, कि दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो सेम तरीका लगाएगा, दिए गए कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी, और 3 से तो 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए क्या है, इकाई दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो या इकाई दहाई के स्थान पर 0 हो। 8 के लिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होती है, संख्या भी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 हो। बस इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आएंगे तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कोई पूछ सकते हैं, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आइए यहां पे ध्यान से देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जैसे मैं दोबारा आपको समझा दूं किस तरह के सवाल आपके परीक्षा से, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक सवाल दे रहा हूं, जैसे 7 3 6 यहां पे डब्बा बना दिया जाए और 2, ये 9 से विभाजित होंगी तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। इस खाली स्थान पर जैसे मान लीजिए यहां पे, रुक जाइए एक मिनट, यहां पे 5 है, अब बताइए इस खाली स्थान पर क्या संख्या भर दें कि दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाए। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए उस खाली स्थान पर क्या भरें। ठीक, बताइए सभी लोग, क्योंकि हम एक एक करके पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, पूरे जितना भी आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, माने कोई भी टॉपिक, कोई भी पाठ्यक्रम का हिस्सा छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, पूरे कंप्लीट, बताइए क्या आएगा, बताइए सभी लोग। देखिए ये हो जाएगा 5 7 12 3 15 6 18 2 21 हो रहा है, इसमें कितना जोड़ दे कि 9 से विभाजित हो जाए, इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 27, और 27 क्या हो जाएगा, ये होगा ना 7 5 12 3 15 6 21 2 23, रुक जाइए 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, इसमें कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 27, कट जाएगा, मतलब इस डब्बे में खाली स्थान में क्या भरना है 4, क्या भरना है 4 भरना है। तो हमने ये देखा 7 5 12 3 15 6 21 2 23, तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और आपको इस तरह का सवाल लगाना। 11 के लिए क्या है कि सम और विषम संख्या के जो स्थान होते हैं उनके, जो सम संख्या विषम के स्थान होते हैं उनके योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो संख्या भी कट जाएगी, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक होता है निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान रहे जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, उससे हम निरपेक्ष मान कहते हैं। किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है और उसमें प्लस या माइनस नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा तो ये 5 होगा, और 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा 5 होगा। माने किसी भी संख्या का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा रट लीजिएगा। बाकी यहां पे किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, याद रखिए किसी भी संख्या का, जैसे यहां पे दे दिया जाए कि 8 -15, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे सर इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी ये -7 होगा, तो ये बाहर आएगा केवल 7। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर निरपेक्ष मान जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ये रट लीजिएगा। बाकी एक आता है आपके सिलेबस में है सरलीकरण, शायद आपको याद होगा, जैसे जोड़, ये घटाना का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, भाग का, ये का है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक, बराबर।
इसको पता होगा, का को पहले काट दे ता करिएगा भाग, गुणा कर धन जोड़ दे अंत मिलियो घटाए। एक रूल आता है बोधमास का, क्या है बोधमास का, तो उस बोधमास के नियम को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, उसके सहारे भी इस तथ्यों को कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी चाहत आप स्क्रीनशॉट रख लें, बाकी आपकी मर्जी। आगे चलते हैं, जैसे यहां पर है प्रथम धन पूर्णांकों का योग, जैसे प्रथम धन यन पूर्णांकों का योग क्या, जैसे एक दो तीन चार यन तक निकालना है, तो यन बाई टू यन प्लस वन इसका फॉर्मूला हो गया। यन धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है तो यन बाई सिक्स हो गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं यन इन टू यन प्लस वन टू यन प्लस वन पूरे बटा सिक्स, ये हो गया। यहाँ पे होगा यन यन प्लस वन बटे टू, तो ये क्या हो गया प्रथम धन यन पूर्णांकों का योग हो गया, प्रथम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग हो जाएगा। और यहां भी क्या है, जैसे ये आपका हो जाएगा यन यन प्लस वन बटे दो पूरे का स्क्वायर, तो ये जो घन है घनों का योगफल, माने एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का, इस तरह का यन संख्या के घनों का अगर योगफल पूछेगा इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तीन फॉर्मूला से भी आपने देखा होगा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में, यहां से भी परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए और आगे चलते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, या तो मत रखें, आपकी मर्जी। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर कुछ आपको की पॉइंट, जैसे कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जैसे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, किसी भी संख्या, अगर कोई मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है आप लोग को ना, आवाज सुनाई दे रही है ना, तो लिखते चलिएगा। जैसे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है, ये सब रटने वाले सवाल है। कोई भी दो दी गई एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं जानने के लिए कुछ विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। यहां पे देखिएगा प्रथम यन संख्याओं का योग इस तरह से निकालते हैं, यन विषम संख्याओं का योग। अब याद रखिएगा यहां पर जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दो फार्मूलाज होते हैं। आइए दोनों फार्मूला की जो बात है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक फार्मूला तो आप लोग ये जानते हैं, एक फॉर्मूला आपको यह पता होगा, यह फॉर्मूला आपको पता होगा, ये तो ये इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन उसका हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो होता है ये भी आपको जानना चाहिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में यदि फोर ए बी जोड़ देंगे तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। सेम प्रक्रिया यहां पर भी करना है। अब a प्लस, देखिए एक फॉर्मूला यह पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जब भी आप कभी आएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी जब सवाल हम लोग लगाएंगे तो सवाल में भी यहाँ पे परीक्षा में आते हैं, तो वहां पर भी हम इसके बारे में बात करेंगे, इन तथ्यों के बारे में। ठीक है, दिख ही नहीं रहा है, चलिए अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात जहां जाएगी कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे अभी कई जगह बनेगा तो हम लोग सोचते हैं कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना, दो फॉर्मूला बनेगा। यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस टू ए बी घटा दें, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस टू ए बी घटा दें, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस टू ए बी जोड़ देंगे, तो इसमें क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। सेम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो एक क्वेश्चन ए प्लस बी एक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रयोग आपका ये होगा। अभी आगे जब हम लोग ट्रिक चीज पढ़ेंगे तो यहां पर इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, दूसरी ये फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और थ्री ए बी क्वेश्चन ए प्लस बी, इसको तोड़ दिया गया है, ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके दो फॉर्मूला दोनों आपको याद करना होगा, एक होता है ए प्लस बी के होल क्यूब में से माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी घटा दें, दूसरा आम फॉर्मूला जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो ये है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इन दो फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करेंगे आगे। एक देखिए इन दो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू में एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो एक क्वेश्चन ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनका उपयोग करेंगे ट्रिक यूज करने में, ट्रिक यूज करने में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी कभी सवाल आ गया जैसे ए प्लस बी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बटे अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका उत्तर आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, मैंने इन दोनों घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसका उत्तर आएगा
प्रश्न के माध्यम से हम इसको कराएंगे, बिना पेन उठाए आप ऐसे प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है? जब भी सवाल आएगा तो बिना पेन उठाए कर लेंगे, ठीक है? आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इनका प्रयोग आगे हम लोग करेंगे, तो बाद में मत कहिएगा सर कहां पे था, कब था, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोग नहीं जानते हैं, तो फिर इफ बट मत करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अब एक नया अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दशमलव। ये भी आपके सिलेबस में है। दशमलव क्या होता है? यदि किसी के हर के 10 की घात हो तो ऐसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। 7/10 है, 7/100 है, 29/1027, ये क्या है? ये दशमलव भिन्न, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है? आगे करते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार। दशमलव भिन्न के प्रकार में हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें होती है। एक होती है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव भिन्न के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे ये 3.5 है, 7.125 है, 13.2375 है, या 17.613 है। माने जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तब उसे हम अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। लेकिन जहां पे बार बार पुनरावृत्ति होती है ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं? उसे हम आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 20/3, अगर इसको दशमलव बदलेंगे तो 6.66 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर बाद। 22/7 है, 22/7 है, ये आप जानते हैं ना पाई का मान है। अब इसको हम चाहे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.14 दो बार डाट डाट बढ़ता जाएगा। तब हम क्या करेंगे? देख रहे इसकी जो पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक 7 के बाद फिर पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। माने जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर क्या हम बार लगाते हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न। यहाँ सवाल आता है इनकी कैसे परीक्षाओं में हल करना है। आगे हम लोग इसके सवाल को आज ही हल करेंगे, पहले इसकी थियरी समझते चलते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे यहां पर है आवर्ती दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध आवर्ती होता है, एक मिश्रित आवर्ती दशमलव होता है। शुद्ध आवर्ती में एक ऐसी आवर्ती दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के दाईं उपस्थित सभी अंकों में पुनरावृत्ति होती है, मिश्रित में होती है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। दशमलव बिंदु के बाद अंतिम शून्यों की संख्या बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे यहाँ पे 0.37 हो गया, इसके बच्चा जितना 0 बढ़ा लीजिए इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.7 के इक्वल या बराबर होगी, ठीक है? आइए इस तरह के सवाल जब परीक्षा में आते हैं कैसे हल होते हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो सभी लोग फटाफट पूछ सकते हैं, फटाफट लोग जान सकते हैं। चलिए आइए ध्यान से देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए, जैसे हम एक एक करके समझा रहे हैं, 3-4 एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये कंप्लीट गणित की कोर्स होगी आज। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे यहां पे दे दिया जाए 0.35 के ऊपर बार है, इसका मतलब यह है कि 35/2 अंक पे बार है तो 99 हो जाएगा, ठीक है? फिर अगर दे दिया जाए कि आपके यहां पे 0.342 इनके ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे 342/3 संख्या पे बार है तो 1239। अगर ये कट रहा है इसे काट कर हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इसे 9 से काटेंगे तो 9 27 आपका बचेगा 7/72 9/72, 9 से काटेंगे 9 1 9 1 9 तो हो जाएगा 38/11। इसको काटकर छोटा भी किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी दशा में, जैसे यहां पर एक नई थियरी हम लोग यहाँ पे इजाद करते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है कि 0.123, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया है 1 2 3, अब इसमें 2-3 के ऊपर बार है तो इसको भी लिखेंगे 123 पूरा पूरा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 123 हम लिख देंगे पूरा पूरा। माइनस किस पर बार नहीं लगा है? एक पर बार नहीं लगा है तो माइनस एक कर देंगे। कितने अंक पर बार लगा है? तो हमने देखा 2 अंक पे बार लगा है, इसका 2 9 लिख देंगे। जिस पर बार नहीं लिखा है दशमलव के अगर बाई तरफ है, मतलब अर्थात दाईं तरफ है, तो इसका 0 लिखा देंगे तो हो जाएगा 122/90। 122 क्या हो जाएगा? 990। अगर इसको काट कर छोटा करना है काट कर छोटा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 61/495, ठीक है? अगर यहाँ पे इस तरह संख्या दे दिया जाए, जैसे
8.37 के ऊपर 12 है, इसको लिख सकते हैं 8 सही 37/99। बस एकदम सही, ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पे इस तरह से होता 8.37 के ऊपर इस तरह बार होता, इसको लिख सकते थे हम 8 सही 37 -3 जिस पर बार नहीं लगा है, बटे 7 पे बार है इसका 0 जिस पर नहीं लगा है, 9 इसका 0। तो बस इसको हल कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8 सही 37 में 3 गया 34/90, काट के छोटा कर दीजिएगा 8 सही 17/45। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आएगा और आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, एक नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। चाहे कभी कभी जैसे यहाँ पे आ जाए कि 0.3 के ऊपर 12 है प्लस 0.4 के ऊपर 12 है, इनका योगफल क्या होगा, तो सीधी सी बात है ये 3/9 + 4/9 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 4 = 7, ये हो जाएगा 7/9, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर 12। तो ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे भी लिखिए, दोनों तरह से आपके परीक्षा में उत्तर आ जाएगा। अब माने ये रखता है कि परीक्षा में सवाल आपके कैसे पूछा जाता है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछिएगा, मतलब जितना दिक्कत है यहाँ भी पूछ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो वाई कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया है तो यन कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आएगी जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए मेरे द्वारा गेस्ट के रूप में मैं छुट्टी लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका कंप्लीट जो तैयारी है वो पूरी हो सके एक ही बार। अगर अभी तक आपने गणित नहीं पढ़ा है, चीजें छूटी हुई हैं, तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट एक प्रश्न यहां से आता है, आगे चलते हैं। अब हम यहां पे पूछते हैं, एक ध्यान दीजिएगा, एक होती है जातिमान। जातिमान क्या होता है, प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातिमान उस संख्या के बराबर होता है। जातिमान को क्या कहते हैं, हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अंकित मान कहते हैं, इसका कई और नाम है, इसे हम कहते हैं अंकित मान, इसे कहते हैं नैज मान, इसके तीन नाम होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 452 में 4 का जातिमान क्या होगा, 4, 5 का जातिमान 5, मानी किसी भी संख्या का जैसे यहां पे दे दिया जाए कि 0.0341 में एक का जातिमान क्या होगा, तो एक होगा, एक का जातिमान एक होगा, नैज्यमान एक होगा। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया 7 3 4 6, इसमें पूछ दिया जाए कि 3 का जातिमान क्या होगा, तो 3 का जातिमान 3, माने किसी भी संख्या का जातिमान, अंकित मान, नैज मान वो स्वयं संख्या होती है, वो क्या होती है, स्वयं संख्या होती है, ठीक, क्या होती है, वो स्वयं संख्या होती है। इसे आप लोग रट लीजिएगा, याद रखिएगा, अंकित मानो नैज मानो वो हमेशा वही होता है। जैसे यहां पे कह दिया जाए कि 4 के नैज मानों का योगफल क्या होगा, 4 के नैज मानों का योगफल क्या होगा, तो 4 के जो नैज मान है, तो ये भी 4 है ये भी 4 है, इनका योग क्या हो जाएगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8, इनका योग और नैज मानों का अंतर पूछ दिया जाता तो हमेशा 0 होता है। नए जुमानों का योगफल 4 + 4 = 8 हो गया, और अगर पूछ दिया जाए कि 4 के नए जुमानों का या अंकित मानों का अंतर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या का जिस स्थान पर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वही स्वयं संख्या जो होती है उसका नए जुमान होता है। और स्थानीय मान तो आप लोग जानते हैं, किसी भी संख्या का जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 8 3 7 6 4 2, इसमें 3 का अगर स्थानीय मान पूछा है तो 3 लिख देंगे, अगर 3 का पूछा है, इसके बाद कितनी 4 संख्या है, 4 लड्डू दे दिया जाए, बस इसका अंतर आ जाएगा। तो यह संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर किसी के मन में कोई समस्या हो को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। एक प्रश्न आपके आते हैं स्थानीय मान से, नए मान से, योग करना होता है, घटाना करना होता है, कभी कभी जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 0.0342 ठीक है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है आपको 2, उसके पहले कितनी संख्या, 3 संख्या है, तो 1 2 3 0 लिख दीजिए, बस ये हो गया 2 का स्थानीय मान, ये क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान। नैज मान पूछता तो स्वयं संख्या हो जाती, वो क्या हो जाती, स्वयं संख्या नैज मान होती, स्थानीय मान ही हो गया। तो याद रखिएगा प्लस वैल्यू, ये हो गया आपकी प्लस वैल्यू, ये हो गया आपकी फेस वैल्यू, ठीक है। सबको समझ में आ गया, अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, मतलब अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे।
यहाँ पे जैसे स्थानीय मान आपको निकाल दिया है, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ये चीजें तो आप लोग पहले से जानते हैं, ऐसा तो नहीं है पहली बार गणित पढ़ने के लिए आ रहे हैं, गणित आप इसके पहले कहीं पढ़े ही नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हम भिन्न की बात करते हैं, भिन्न क्या है, माने ऐसी संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे क्यू का मान जीरो नहीं हो, क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। पी को भिन्न का अंश तथा क्यू को भिन्न का हर कहते हैं, जैसे हम यहां पे लिख दिए पी बटा क्यू, तो इसको कहते हैं अंश बटा हर। इसका मतलब हम ऐसे भी सकते हैं पी अनुपात क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाई क्यू। देखिए आगे आपको अनुपात भी पढ़ना है, तो चीजें अगर आपको समझ में तभी आएंगी जब एक चीजों को दूसरी चीज से जोड़ते चलेंगे, माने ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां क्यू का मान जीरो नहीं है, वो परिमेय संख्या होती है, और इसी को भिन्न कहते हैं। पी को हम अंश और क्यू को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तीन बटे पांच क्या होगी, भिन्न होगी, इसमें तीन भिन्न का अंश और पांच उसका हर हो गया, इसे हम पी अनुपात क्यू लिख सकते हैं, पी डिवाइडेड बाई क्यू लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब किसी के मन में कोई सवाल हो तो जरूर हमसे पूछ सकता है, जिसके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, जरूर पूछेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबका जो डाउट है, जो सवाल है, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इसे जितनी बार आप चाहे देख सकते हैं, जी नहीं, ये वीडियो आप लोग के लिए पब्लिक है और देख सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ई लर्निंग पे दुर्गेश का ऐप भी है। चलिए अभी तक का इतिहास रहा है, जब भी मैंने गणित पढ़ाई है परीक्षा से पहले 80% सवाल परीक्षा के फंसे हुए हैं। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जितने पेपर हुए हैं उनके पहले जितनी भी मेरी मैराथन क्लास लगी है, चाहे गणित की लगी है, चाहे सामान्य धन की क्लास लगी है, पर्यावरणीय धन की क्लास लगी है, हमेशा से 80% ज्यादा सवाल परीक्षाओं में आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, उसके दो दिन पहले की क्लासे उठा के देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करना चाहिए, आप लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। जिस भिन्न का हर 10 की घात न होकर कोई अतिरिक्त संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 10 की घात न होकर कोई अतिरिक्त संख्या हो, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। 7/5, 5/11, 3/11, इसमें भी होता है, इकाई भिन्न होता है आगे, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में नहीं सवाल आते, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तुल्य भिन्न की बात करते हैं। तुल्य भिन्न का मान क्या होता है, जैसे समतुल्य, जैसे कुछ लोग कहते हैं जो कभी परीक्षा नहीं दी वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग प्राय प्रयास करते हैं कि जो परीक्षा दी है, जो उसका अनुभव हो, मैं आपके साथ साझा करूं परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो तुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको यूपी में सरकारी नौकरी करनी है तो चाहे यूपी टेट पास हो, सीटेट पास हो, तो यूपी टेट या सीटेट समतुल्य हो गया। यही एक भिन्न में जब हम बात करते हैं तो उसके समान भिन्न, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 3/4, ठीक है। अब इसमें अगर इसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें या भाग करें, ध्यान दीजिएगा, इनके अंश और हर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंश और हर में समान अंकों से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, इसके मान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसी को कहते हैं तुल्य भिन्न। आगे बात करेंगे, यहां तो गुणा करने की बात है, भाग भी किया जाता है। जैसे अगर यहां पर आ जाए, जैसे आ गया आपका 18/27, तो समान संख्या से भाग करेंगे, 9 से 9 दूना 18, 9 3 27, क्या आ गया 2/3। माने यदि समान संख्या से भाग करें या इसमें फिर गुणा कर दें, इसे गुणा कर दिया मैं 18 का 18 का, तो हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 54, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन ध्यान रहे अंश और हर में समान जो संख्या उससे गुणा करना चाहिए, अलग अलग नहीं कि अंश को 5 से काट दीजिए, हर को 3 से काट दीजिए, ऐसा नहीं है। अंश और हर में समान संख्या से गुणा भाग करेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिश्र भिन्न की बात करते हैं, यहां मिश्र भिन्न क्या होता है, जो भिन्न पूर्णांक भिन्न से मिलकर होती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। यहां पे मैं कुछ की पॉइंट समझाऊंगा, जैसे यहां पर अगर दे दिया जाए, यहां पे दे दिया जाए 3+2/5, और इसको लिखा जाए 3 सही
दो बटे पांच, इन दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। प्रहेज परीक्षा में आता लोग ट्रिक यूज करते हैं कि पांतीय 15 दो 17 बटे दो इसको भी लिख सकते हैं और 17 बटे दो इसको भी लिख सकते हैं, माने इन दोनों का गुणा करके इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, माने पांतीय 15 और दो 17/5, 17/5 ठीक है, 17/5 17/5 मतलब यहां पर जैसे आ जाए, यहां पर जैसे यहां 7 - 1/9 इसका 9 7 63, 63 में से 1 गया 62/9। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम बिना एलसीएम निकाले सवाल को हल कर सकते हैं। यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे देखिए ये यहां पे गुणा किया, यहां पे मैंने घटा दिया, जो चिन्ह होगा, मतलब ये ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे बार बार जब आपकी परीक्षा में सवाल आता है तो लोग करते क्या है कि कुछ लोग पूरे सेक्शन को हल करते हैं तब आपको उत्तर लाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप मिश्र भिन्न को हल करते हैं, सामान्य भिन्न में बनाते हैं, सेम इसी तरह से सवाल आपको हल करना है, इसी तरह सवाल को उत्तर लाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जैसे यहां पे दे दिया जाए 12 + 1/2 तो 12 × 24 = 25/2 तुरंत आप क्या करेंगे, ऐसा भिन्न अगर आपके सामने आएगा, ऐसा सवाल आएगा, तुरंत इसका उत्तर बताएंगे। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? ना कोई ऐसा भी व्यक्ति बचा है जिसे यहां से चीजें समझ में ना आई, जरा एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? जैसे यहां पे माइनस में आ जाए, जैसे यहां पे आ जाए माइनस में 8 - 3/5 तो 5 गुणा करेंगे, 5 × 40 40 में 3 गया तो 37/5 यहां पे गुणा करिए, यहां पे घटा दीजिए बस। अब इसकी स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने व्युत्क्रम भिन्न। ये व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? किसी भिन्न के अंश हर को हर में अंश में बदल दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। जैसे यदि कोई भिन्न है, जैसे a बटा b भिन्न है, इसको हम लिख देते हैं 1/a/b कर देंगे तो b ऊपर चला जाएगा तो b/a हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3/8 का जो व्युत्क्रम भिन्न होता है वो 8/3 होता है, ये सभी लोग रट लीजिएगा। और व्युत्क्रम भिन्नों का गुणनफल सदैव एक होता है, व्युत्क्रम भिन्नों का गुणनफल सदैव एक होता है। जैसे a/b × b/a करेंगे ये कट जाएगा तो एक आएगा, व्युत्क्रम भिन्नों का गुणनफल सदैव एक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सब लोग समझ में आ गया? अब बात करते हैं समान भिन्न। समहर भिन्न, समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहते हैं। इसको जोड़ने का तरीका कैसे है? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहां कोई सवाल दे दिया, जैसे यहां पे दे दिया जाए 4 + 4 = 3/5 5 = 5 = 1/5 + 12 = 4/5 फिर माइनस 7 = 2/5। इसको आप 3 सेकंड में कैसे लगाएंगे, इसको हम 3 सेकंड में कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको 3 सेकंड में कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम, इसके हर आपस में बराबर है, इसके क्या है, हर आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 5 5 5 5 ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये 4 है, 4 5 9 12 9 21 21 में से 7 घट जाएगा, ये देखिए ये जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है और ये घट रहा है, तो यहां पे घट रहा है ना, तो 4 5 9 12 9 21 21 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा आपका 14, तो क्या बचा आपका 14 बचा। अब ऊपर देखिए 3 है, इसको जोड़ेगा 3 × 4 ये देखिए 3, अच्छा एक काम, ये एक ही में था, ये 12 सही था। अब देखिएगा ये एक ही में था, जैसे आप इसको एक ही में कर लीजिएगा, ये लिखने में गलती हो गई थी। अब देखिए यहां पर हमने देखा ये 4 है 3 है, अब 3
एक चार और चार चार आठ, आठ में से दो गया छह, हो जाएगा छह। तो हमने ये देखा इसका उत्तर क्या आएगा, 14 सही, 6/5। ये 6/5 से ज्यादा है तो एक बार इसमें और जुड़ जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक बार इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 सही 1/5, 15 सही 1/5 हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, इसमें 14 5 70, 70 और 6, देखिए 14 5 70 और 70 और 6 76 हो जाएगा ना, तो 76/5, 76/5 आएगा, फिर इसको बदलेंगे तो 15 सही 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप इस तरह के नियम लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको और अगर तरीके से हल करना है, जैसे हम इसको और अच्छे तरीके से अगर हल करना चाहें तो इसका और एक तरीका मैं आपको बता दूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पे दे दिया जाए 7, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसे अभी दिया जाए 7 सही 1/3, 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस 15 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2। अब यहां देखिए कैसे इस सवाल को हल करना है। अब देखिए 1/2 1/2 सब में है, तो यहां पे देखिए 7 6 13, 13 15 28, 28 में से 3 गया 25। देखिए आधा आधा एक, डेढ़ में से आधा गया एक, तो हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 26। इसका देखिए 1/2 माने आधा होता है, आधा आधा जोड़ेंगे एक हो जाएगा, ये आधा आधा इसमें घट जाएगा, तो 25 1 26, इसका उत्तर क्या आएगा 26। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया करेंगे, चुटकियों में सवालों को हल करेंगे, कितने में, चुटकियों में सवालों को लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे अभी आगे हम लोग इसको भिन्न को और आगे पढ़ते हैं, पहले यहां पढ़ लीजिएगा, आगे ट्रिक पढ़ेंगे तब। अब है आरोही क्रम। देखिए एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। इसको समझने का एक छोटा सा तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये तरीका, ये हो गया आरोही और ये हो गया अवरोही, माने बढ़ता हुआ जो क्रम है ये आरोही है और ये अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, माने बढ़ता हुआ फिर घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पे इस चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका भिन्न से संबंधित। आइए भिन्न संबंधित कुछ सवाल को हम लोग भी हल कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पे एक सवाल आता है, सैतालीस प्लस 4/10 प्लस 7/100 प्लस 6/1000 प्लस 2/10000, इसका उत्तर 3 सेकंड में बताना है, कैसे बताएंगे? ठीक है, बताइए इसको 3 सेकंड में कैसे हल करेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो क्रम से है, अगर जीरो क्रम से है तो कुछ नहीं करना है, लिख दिया आपने 47.4762 इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अब हमने देखा कि लड्डू क्या है, क्रम से है, तो क्या करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, 47.4762। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 0.4, फिर ये 0.07, 0.006, फिर 0.0002, इसको योग करिए, ये आपके ऊपर है कि कौन सी तकनीकी का आप सहारा लेते हैं। जैसे यहां पे दे दिया जाए 72 प्लस 3/10, 7/1000 प्लस 5/10000 प्लस 2/, इस सवाल को हल किया जाए। अब यहां पे ध्यान देना है कि बीच में एक जीरो गायब है, बीच में एक जीरो गायब है, तो इसको कुछ नहीं करना है, 72.3 लिख दीजिएगा, फिर जीरो दो अंक हो गया, फिर 7
2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। मैंने ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आए तो कुछ नहीं करना है, बस हमेशा ट्रिक का इस्तेमाल करना है और आप तुरंत उसके उत्तर तक, उसके नतीजे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहां पे ध्यान देंगे, जैसे यहां पर है आपका 28 प्लस 9 बटे 10, 6 बटे 100, 5 बटे 1000, 4 बटे, कुछ नहीं करना, बस 28.9654 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां से सभी के सवाल क्लियर हो गए, सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं। अभी और सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आएंगे और अभी हल करते हुए रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न, बस याद रहे लड्डू क्रम से होना चाहिए। अगर लड्डू क्रम से नहीं भी है फिर भी मैंने पढ़ाया है, जाकर आप देख लीजिएगा वीडियो, यूट्यूब पर पढ़ा होगा, लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर पढ़ा होगा। अगर जिसको यहाँ पे समझ में कम आ रहा होगा उस इसकी एक पूरी वीडियो बनाई है, जैसे बीच में यहाँ कभी कभी 2 अंक आ जाए, 3 अंक आ जाए, उसके सवालों को कैसे हल करना है वहां भी मैंने आपको बता के रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्याज के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे जो सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम में जो सवाल है वो ज्यादातर कौन सा है, वो साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, धन क्या होता है, समय क्या होता है, वो आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे जब हम सवाल लेकर आएंगे तब। जैसे मेरे पास कोई धन है या कोई धन लेता है, कोई किसी को देता है, तो जो धन होता है उसे मूलधन कहते हैं, उसे पी किसी निश्चित समय के लिए ब्याज पे दिया जाता है, तो जो ब्याज उसके अतिरिक्त पैसा मिलता है वो ब्याज होता है, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम आगे चलते हैं। आगे आते हैं घातांक की बात करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इसका नाम है घातांक और कर्णी। क्या नाम है? घातांक और कर्णी। तो चलिए एक एक करके चीजों को हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं तब तक मैं कुछ सेकंड लगेगा मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, सभी लोग आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं पानी पी ले रहा हूं। चलिए, आप लोग को दिख रहा है साहब, कोई दिक्कत किसी को हो नहीं हो रही ना? चलिए आप लोग, चलिए देखते हैं घातांक और कर्णी। पहले घातांक और कर्णी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये घातांक क्या होता है, कर्णी क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे घातांक की बात करें, जैसे अगर किसी संख्या के ऊपर लगे धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक घात उस संख्या का घातांक कहलाता है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले उसको बता देते हैं फिर आके इस प्रश्न को हल करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सवाल आता है। अच्छा, अभी आगे बताते हैं, पहले यहां समझ लेते हैं। जैसे यहां पर a * a * 8 बार दिया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a^8। तो इसमें ए क्या है? ए को कहते हैं आधार। ए क्या होगा? आधार। और 8 क्या होगा? घातांक होगा। ये तो आप लोग जानते हैं, ए आधार हो गया और 8 घातांक होगा। ठीक है, ए का घातांक 8 को लिखा जाता है। अब इसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी। क्या कॉमन होंगी चीजें, आइए उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं फिर चीजों को बताते हैं। जैसे आपको यहां पर दे दिया जाए, देखिए यहां पर जैसे दे दिया जाए कि √4, इसका मान आपको पता है 2 होता है, लेकिन ये 2 तरीके से होता है। आइए ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे समझा रहा हूं। अब हम लोग इसको घातांक करने का नियम यूज करेंगे। देखिए जैसे हम और आप ये जानते हैं कि ये रुक जाइए, आपको ये हो गया √4 है, इसको लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं इसका घात यहां पर 2 होता है। जिसका घात कुछ न दे उसका 2 होता है। इसको 2 तरीके से हल करते हैं। एक तरीका तो आपको पता है, यह तरीका, इसको लिखेंगे 4, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट
दो गुणे दो, यहाँ पे दो होता है दिख, इसलिए इसका जोड़ा दो बनेगा और इसका उत्तर दो होगा। एक तरीका तो आप ये जानते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है आज वो हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे कर्णी में चार है, इसकी घाता कुछ नहीं दिया है, इसको कर्णी को तोड़ेंगे, जब कर्णी, ये कर्णी से पढ़ रही है, ये हो गया आपका, ये कर्णी है, ये कर्णी है। अब ये इसको लिखेंगे चार पूरे के घाते 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चार को, लिख सकते हैं 2×2 पूरे घाते 1/2, फिर लिखेंगे 2×2 पूरे घाते 1/2, फिर लिखेंगे 2×2 × 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2×1 = 2। तो ये जो हल किया मैंने, ये करणी के मेथड से है। किस मेथड से? ये करणी का मेथड है। इससे हमारा उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। यही है आपका करणी, ठीक है? ठीक है, जैसे यहां पर 1/8 है, तो ए आधार होगा, 8 घातांक होगा, ठीक। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया? देखिए, यहां तक समझ में आ गया? मैंने देखिए दोनों प्रश्नों को हल किया, एक कर्णी की मेथड से और एक वर्गमूल की मेथड। देखिए, ये आपका मेथड था वर्गमूल, ये था वर्गमूल विधि और ये थी कर्णी विधि। दोनों विधि से मैंने सवाल को हल किया, उत्तर वही आएगा। लेकिन अब हम लोग वही, तो मैंने भी लिखा भैया, यार यहां पर क्या गलत है? ए आधार है। जैसे अगर हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिख दिया ए घाते बी, तो ए इसमें क्या होगा? आधार होगा और बी क्या होगा? घात होगा। ए आधार है और 8 इसका घात है, ठीक। ठीक है, ये घात होगा ना, जैसे कहते हैं 5×3, तो 3 क्या होगा? घात होगा ना। इसमें होता है आधार और ये होता है घातांक बराबर 1/b, ठीक है। पता नहीं क्या है, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें कुछ समझना है, वो मैं बताने जा रहा हूं, वो समझिए। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, देखिए, जब कभी भी जब आधार आपस में बराबर हो, बात समझिएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा समझ में नहीं आया। जब आधार आपस में बराबर हो, घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। आधार आपस में बराबर हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। 1/2, जैसे यहां पे मैं एक एक करके समझाता चलूंगा, मैं एक एक करके समझा रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। जब आधार आपस में बराबर होंगे तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे यदि दे दिया जाए कि 1/b × 1/c, इसको लिख सकते हैं 1/b + c। मतलब यहां पे सवाल को ऐसे हल करेंगे, जैसे दे दिया जाए 7×3 × 7×5 × 7×22। तो अगर आधार आपस में बराबर हैं तो लिख सकते हैं 7×3 = 5 = 22, 5×3 = 8, 22 = 30, तो 7×30। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मतलब इसको हल करने के लिए, यहां पे समझिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या करेंगे? आधार समान है, तो अब हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक कैसे होगा? 5×3 = 8 और 22 = 8 = 30, तो यहां पर हो जाएगा 7×30। अगर गलती से इस तरह से सवाल आ जाए, जैसे 8×6 × 8×-5 × 8×3, अब इसमें क्या होगा? 6 में से 5 गया 1, इसमें देखिए जोड़ेंगे तो माइनस है, तो यहां पे ऐसे भी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 8×6 - 5 + 3, 1×3 = 4, तो हो जाएगा 8×4। तो आप लोग समझ लिए? ये आप लोग समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट? क्लियर होता जा रहा है। चलिए, एक फार्मूला सिद्ध हुआ। दूसरा, यदि हम P/N, जैसे P किसी भी, अगर आधार जैसे पी घाते यम है और पी घाते यन भाग में है, तो पी माइनस यम हो जाएगा। देखिए, गुणे में हम लोगों ने देखा, जब गुणा होता है तो जुड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा, गुणा होता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन अगर भाग होगा तो घट जाएगा, भाग होगा तो घट जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। जब हम भाग करते हैं तो ये घट जाता है। कैसे घटेगा? देखिए, जैसे यहां पर सेम प्रक्रिया है, जैसे यहां पे दे दिया जाए कि 8 घाते
बारह भागे आठ घाते पांच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आठ घाते बारह बटे आठ घाते पांच। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे घट जाएगा बारह माइनस पांच, यहां पर भी हो जाएगा आठ घाते बारह माइनस पांच, क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था यदि यहां पर दे दिया जाए कि ए डिवाइडेड बाई बी, इसको लिख सकते हैं ए बटे बी, कह सकते हैं ए बटे बी, इसे लिख सकते हैं ए अनुपाते बी, इतने तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आठ घाते सात, क्या हो जाएगा आठ घाते सात, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगा आठ घाते सात। कितने लोग को समझ में आ गया, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा ठीक है शेयर करना है। दूसरी चीज यहां पर एक बात और आपको जानना है, सभी लोग को यह जानना है, जैसे यहां पे दे दिया जाए कि छह घाते माइनस पांच है, इसको हम लिख सकते हैं छह एक बटे, इसको बटे बदल दीजिए, एक बटे छह घाते ये पांच हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। अगर यहां पे कोई ऐसे दिया है एक बटे आठ घाते नौ, इसको लिख सकते हैं आठ घाते माइनस नौ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी सदैव सत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोगों ने देखा ये होगा क्लियर। अब यहां पे दिया जाए घात के घात हो, जैसे अब घात के घात होगा तब क्या करेंगे, जैसे यहां पे घात, जैसे यहां पे दे दिया जाए कि आठ घाते दो पूरे घाते तीन पूरे घाते चार, इसमें क्या किया जाता है, आठ घाते सभी घातांक को गुणा कर दीजिएगा, दो घाते तीन घाते चार, तो आठ घाते तीन दुनी छह चौके चौबीस, ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आया, मतलब अगर घातांक के घातांक के घातांक लगाते जा रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस चीजों को समझते चलना है, चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने फिर देखा ये आपका ये फार्मूला आपका हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब हमने यहां पे देखा कि जैसे अगर हम किन्हीं दो संख्याओं के घात हैं उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, आइए इसको भी हम बता देखिए, यहां पर ये भी हो गया, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। जैसे यहां पे दे दिया जाए ए गुड़े बी, घाते इसमें यन है, इसको लिख सकते हैं ए घाते यन इंटू बी घाते यन, मतलब यहां पे अगर लिखा जाए तीन, इसका मतलब यह है हम ऐसे भी सकते हैं छह घाते तीन, हम इसको ऐसे भी सकते हैं तीन घाते तीन गुणे दो घाते तीन, इस तरह से भी सवाल को हल किया जा सकता है। अब यहां पर अगर ऐसे दे दिया जाए जैसे ए घाते ए बटे बी के घाते अगर यन है, इसको लिख सकते हैं ए घाते यन बटे बी घाते यन, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे दे दिया जाए तीन बटे चार के घाते तीन, इसको लिख सकते हैं तीन घाते तीन बटे चार घाते तीन, इसका ऐसे भी सत्य है। जैसे आप अगर ये दे दिया जाए कि आठ बटे सात, ये भी घाते तीन है ये भी घाते तीन है, इसको हम लिख सकते हैं आठ बटे सात के घाते तीन, माने इसका विपरीत भी सदैव सत्य होता है, इसका जो विपरीत होता है वो भी सत्य होता है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना, एक एंगल टाइप लिखने में गलती हो जाए उसके लिए बता दीजिएगा। सबको समझ आ रहा है, किसी के मन में कोई डाउट हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। आपकी संख्या कम हो रही है क्या, वो पढ़ाने में कोई कमी है क्या, यहां तक क्लियर हो गया, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं रह गया ना। अब देखिए अगर किसी की भी घात याद रहे, किसी की घात अगर जीरो लगा देंगे तो उसका मान सदैव क्या होगा, एक होगा, जैसे ए के पावर जीरो लगा देंगे इसका मान एक होगा, ये रट लीजिएगा, किसी भी संख्या का घातांक अगर जीरो लगा देंगे उसका मान सदैव एक होता है, एकदम रट लीजिएगा। जैसे यहां पे दे दिया जाए
28 के पावर 0 इसका मान 1। लेकिन अगर किसी संख्या का घातांक 1 दिया जाए, अगर किसी संख्या का घातांक जैसे यहां पे दे दिया जाए ए घाते 1, अगर दे दिया जाए यहां पे ए के पावर 1 तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए होगा। दे दिया जाए 28 के पावर 1 इसका मान क्या हो जाएगा, 28। माने अगर घातांक 1 है तो मान वही आएगा, लेकिन अगर घातांक 0 है तो सदैव 1 आएगा। बात समझ में आई? अगर किसी भी संख्या का घातांक यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 आएगा। यह दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह रट लीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या का अगर घातांक लड्डू है 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, हम चाहते हैं हम सेलेक्ट हुए, आप भी सेलेक्ट होइए, आप भी सरकारी नौकरी करिए, अपने मां बाप का नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, चीजों को समझिए, ठीक है। अब आते हैं इससे जुड़े हुए और चीजों को देखते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने देख लिया, ये भी थियरी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी थियरी पढ़ लिया, ये भी थियरी पढ़ लिया, ये भी थियरी पढ़ लिया। देखिए अगर जैसे यहां पर दे दिया जाए कि ए घाते माइनस 6 है तो इसको लिख सकते हैं एक बटे ए घाते 6, माने हर में बदल देंगे एक बटे के तो धनात्मक हो जाएगा। अब भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, किसी के मन में कोई डाउट नहीं है, कोई सवाल नहीं है। चलिए इसके साथ साथ जब हम सवालों को हल करते हैं तब हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अभी पिछली बार परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे गए थे तो वहां पर भी हमें यह ध्यान रखना होता है कि कैसे प्रश्नों को विकल्प के माध्यम से भी हल करना है। समय कम है, पैटर्न ज्यादा है, ठीक है। आइए हम कुछ चीजों को और देते से इकाई का अंग ज्ञात करना होता है। एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि इकाई का अंग ज्ञात करना, इकाई का अंग ज्ञात करने में क्या दिक्कत होती है? जैसे अगर दे दिया जाए किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के किसी संख्या के यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसकी घातांक आप चाहे जितना भी लगा ले, इसके इकाई का अंक हमेशा वही आता है। इसके जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा वही आता है, ठीक है, हमेशा वही आएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे इसमें हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, 70 घाते 504, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसके इकाई अंक क्या होगा, 0। अगर यहां पे कोई आ जाए जैसे 241 के घाते 37, इसके इकाई अंक क्या होगा, 1। मान यदि किसी संख्या इनमें से अगर कोई एक नंबर है तो उसके इकाई अंक हमेशा वही आएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे दे दिया जाए 45 के पावर 68, इसकी इकाई अंक क्या होगा, 5। अगर दे दिया जाए 776 के पावर 701, इसकी इकाई अंक क्या होगा, 6। माने यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसके घातांक चाहे जितना भी लगा दे उसके इकाई अंक हमेशा वही आएगा, उसके इकाई अंक क्या होगा, वही आएगा, ठीक है, वही इसके इकाई का अंक आएगा। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन अब आपके मन में आएगा, सर अगर इसके अलावा कुछ होगा तब क्या होगा, तब के लिए भी देख लेते हैं। तब के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखना है खाली। जैसे यहां पे दे दिया जाए इसके अलावा कोई नंबर है, जैसे यहां पे दे दिया जाए 32 के पावर 68, अब दे दिया जाए कि 32 के पावर 68 क्या होगा, उस दशा में घातांक में 4 से भाग देंगे। ध्यान रहे उस दशा में हम करेंगे क्या कि जो घातांक होगा, ध्यान रहे घातांक में 4 से भाग देंगे और हमें ज्ञात क्या करना है, शेषफल, हमें ज्ञात क्या करना है, शेषफल, शेषफल को क्या करेंगे, इकाई की घात। देखिए यहां पे इसका होगा क्या, इकाई के घाते शेषफल लगा देंगे, बस यही तरीका आपको याद होना चाहिए, इसी तरह कर ले। अब जैसे 68 है,
68 नहीं, मान लीजिए यहाँ पे हम 66 कर लेते हैं, 66 है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 66 है, ये 66 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस प्रश्नों को हल करने के लिए आप ध्यान देंगे, अब इस 66 को, अब ध्यान दीजिए आपने क्या किया, 66 को 4 से भाग दिया, अब क्या बचेगा यहां पे, 2, ठीक है, यहां पे 2 बचा। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको करेंगे क्या कि 2 घाते 2 कर देंगे, तो इसके इकाई का क्या आ जाएगा, 4 आंसर हो गया। अब जैसे यहां पे आ जाए, तीन सौ सात के पावर 207, अब फिर हम क्या करेंगे, 207 को, अब हम ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं कि 207 को 4 से भाग देंगे, तो 3 आएगा, तो 7 घाते 3, तो 7 का घात 343 होता है, इसके इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। कितने लोग ऐसे थे जिनको समझ में आ गया, सबका क्लियर हो गया। लेकिन अगर जीरो शेषफल बचेगा तब, यदि शेषफल जीरो आए, यदि शेषफल शून्य हो तो घातांक 4 लिखेंगे। देखिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो सभी लोग, ठीक है, दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग पे, दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि कोई सवाल ऐसे आ जाए, जैसे यहां पे आ जाए, एक छोटा सवाल हम लेते हैं, 34 के पावर 104, इसमें घातांक 0 आएगा, अब यहां पे लिखेंगे 4 के पावर 4, बस यही करना है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 × 4, तो ऐसे करिएगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 4 = 16, तो 6 × 6 = 36, इकाई अंक क्या होगा, 6, इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6, बस इस तरह से सवाल को हल करिएगा, आपको इसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर 0 आएगा इसको तोड़ दीजिए ना, तोड़ देंगे तो आसानी हो जाएगी गुणा करने में। अब जैसे यहां पे आ जाए, अगर आ जाए 358 घाते 612, तो 612 क्या है, ये 4 से कट जाएगा, तो 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8 × 8, इसका गुणा इसमें, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 4 × 4 = 16, 6। तो इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं, इस तरह सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर पूरी थियरी आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, ठीक है, तो आप यहां पे पूछ सकते हैं, इसके पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप क्लास ज्वाइन किए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको थियरी पूरी तरह से पता होगी। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। परीक्षा से पहले अगर आप इसे देख कर जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आप इसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, अब यहां पर कुछ बातें और आपको जाननी है, जैसे जैसे आपको एक बात यह समझ के रखना है, यहां पर 1 × 6 = 1 × 1 है, यहां पे हो जाएगा यक्स, यहां पर है वाई। यदि किसी भी आधार आपस में बराबर है तो उनके जो घातांक होंगे वह भी आपस में बराबर होंगे, यह याद रखिएगा। अगर आधार आपस में बराबर हैं तो घातांक भी आपस में बराबर होंगे। जैसे यहां पे आ जाए कि 1 घाते
एक्स माइनस चार बराबर ए घाते यक्स, ठीक है, या टू यक्स है। तो इसका मतलब जैसे ये यहां पे मान लेते हैं ये टू यक्स माइनस चार, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हल कैसे करेंगे, आधार आपस में बराबर है तो a बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहां पे हो जाएगा 2x माइनस चार बराबर x, x इधर ले आएंगे चार उधर ले जाएंगे, 2x माइनस x बराबर चार, x बराबर चार, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे यहां पे दे दिया जाए कि कड़ी में a है, इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/2, अगर यहां पे दे दिया जाए कर्णी की घात, ध्यान दीजिए अगर कर्णी की घात यहां पे 3 है तो यहां पे क्या करेंगे, a है तो लिखेंगे a के पावर 1/3, अगर यहां पे फिर दे दिया जाए a है कर्णी की घात 4 है तो लिख सकते हैं a के पावर 1/4, अगर यहां पे कर्णी की घात a है कर्णी की घात 5 है इसका मतलब a के पावर 1/5, ठीक। आप जरा बताइए कमेंट करके, ठीक है, आप लोग यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई आपके मन में प्रश्न है तो यहां से पूछ सकते हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, किसी के मन में कोई डाउट कोई सवाल नहीं रहा ना, अगर हो तो पूछ लीजिए ताकि हम और आगे अच्छे से पढ़ाएं, तो फिर वहां पे ये ना सर ये आपने नहीं पढ़ाया था, ये आपने छोड़ दिया था, ऐसा सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है, ये एक एक टॉपिक आप लोग को पढ़ते चलना है और समझते चलना है, क्योंकि अभी आगे जब सवाल मिलेंगे तो आप लोग कहेंगे सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो चीजों को समझे रहिए। जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे दे दिया जाए कड़ी में a के पावर 6 है और यहां पे भी 6 है तो लिखेंगे a के पावर 6 पूरे के पावर 1/6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 बराबर a आएगा, इसलिए मैंने इसको समझा दिया ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर यहां पे ऐसे सवाल आ जाएं जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे यहां पे दे दिया जाए कि a है और a के पावर यहां पे b है, तो इसको लिख सकते हैं यहां पे जैसे c है, यहां पे a के घाते c है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा a के पावर c बटे b होगा, ये हमेशा रख लीजिएगा a के पावर c बटे b, ये जो इसकी घात होगी वो अंश बनेगी और ये हर बनेगा, कर्णी के घात हमेशा हर बनता है, कर्णी के भाग क्या होगा, हमेशा हर बनेगा, कर्णी की घात हर होगी, मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा कर्णी की घात हर होगी, कर्णी की घात हर होगा, ठीक है। अब कभी कभी आता है कर्णी के सवाल देता है, पूछा जाता है इसमें सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, कर्णी की घात देगा, पूछेगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, तब उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहां पे दे दिया जाए कर्णी की घात 2 है, कर्णी की घात 3 के पावर 4 है, कर्णी घात 5 के पावर 3 है, ठीक है, फिर कर्णी की घात यहां पे दे दिया जाए 3 है, को आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सवाल को हल करेंगे, यही आप लोग सीख लीजिएगा, सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव सेशन पे देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऐसे सवालों कैसे हल करेंगे, यार आप लोग की संख्या कम हो रही है बढ़ने की जगह एक बार वीडियो को और आप लोग शेयर कर दीजिए, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मुझे भी लगे यार हम आपको काफी अच्छा मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाएं। इसमें हमें क्या करना होता है, जो कर्णी की घात होती है उसका एलसीएम लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2, 4, जिसका घातांक उसमें उसका 2 मानते हैं, तो यहां पे याद रखेंगे
2, 4, 3 इनका एलसीएम लें, कर्णी की घात का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्णी घात का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4 3 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब याद रहे, अब इसके कर्णी घात क्या करेंगे 12 करेंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 2 के घात यहां पे 12 करेंगे। तो हमने क्या किया, 12 करने के लिए हमने किया क्या? अब यहां पे ये चीज को समझना है, हमने 2 की घात को 12 करने के लिए, यहां 2 होता है तो 2 × 6 किया, तो इसका भी घातांक 6। नीचे आइए, यहां 3 है इसका घात 4 है, तो 12 करने के लिए क्या करना होगा, 4 × 3 इसकी घातांक 3। नीचे आइए, यहां पे 5 है, अब ऊपर क्या इसे घातांक कर्णी घात 3 थी, इसको क्या करेंगे 3 × 4 करेंगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, अब कर्णी घात 3 है इसके 12 है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां 2 ही है तो यहां × 6 करेंगे, घातांक 6। माने जितना कर्णी में गुणा करेंगे उतना अंदर भी आएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब कर्णी की घात 12 2 × 6, कर्णी की घात 12 3 × 3, कर्णी की घात 12 5 × 4, कर्णी की घात 12 3 × 6। बस इसी को हल कर दीजिएगा, जो बड़ा होगा बड़ा, छोटा होगा छोटा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा अब इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग यहां पे देखते हैं 2 × 6 क्या हो जाएगा, अब 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 ये हो जाएगा 64। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, 3 घाते यहां 12 है, 3 × 3 होती है 27, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 × 6 = 25, 625 का फिर गुणा करेंगे 5 में तो 3375 हुआ क्या, 25 × 5 × 5 × 5 = 25 × 25 × 125 × 125 × 625 रुक जाइए, ये हो जाएगा 625। फिर ये हो जाएगा 3 × 6 तो 3 × 9 9 × 3 = 27 273 कितना हो जाएगा, 243 729 होगा क्या, 729 हो जाएगा क्या। ठीक है, अब इसमें बताइए कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, बस आरोही क्रम में कहेगा आरोही और रोही क्रम में कहेगा तो अवरोही। मैंने एक ट्रिक यहां पे बताया ही था आप लोग को, ये आरोही है ये अवरोही है, देख रहे हैं, ये है बढ़ते हुए क्रम में, ये है घटते हुए क्रम में। बस आप चाहे जो आपके परीक्षा में पूछेगा आप उस कर्णी को उठाइए उसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी कर्णी कौन सी है, ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। तो यहां पर हमने देखा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपने आसानी से निकाल लिया, चाहे इसे आरोही क्रम में कहे चाहे अवरोही क्रम में कहे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति बचा है जिसको ये लग रहा है कि मैंने समझाया है और आपको समझ में नहीं आया है? अगर ऐसा कोई हो तो तुरंत कमेंट करें और कमेंट करने के बाद दिए गए सवाल का जवाब दें। सब लोग फटाफट कमेंट करें कि सबको समझ में आ गया या कोई ऐसा भी बचा है जिसको समझ में ना आया हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आता है। दूसरा सवाल होता है परिमेयीकरण करना, क्या होता है परिमेयीकरण करना, तो परिमेयीकरण करने के लिए हमेशा विपरीत चिन्ह से किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल करके आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग इस तथ्य को पढ़ लीजिएगा, तथ्य को समझ लीजिएगा उसको कैसे हल करना होता है। जैसे परिमेयीकरण होता, जैसे यहां पे दे दिया जाए 1/3 तो इसको कैसे खत्म करना होगा, इसको खत्म करने के लिए एक तरीका होगा, अंश और हर में कड़ी में 3 से गुणा करिए, तो यहां पर 1 ×
कड़ी में तीन, और नीचे भी क्या होगा, कड़ी में तीन गुड़े कड़ी में तीन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कड़ी में तीन बट्टे तीन, क्या हो जाएगा, कड़ी में तीन बट्टे तीन। इसको कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोगों ने सीखा, जैसे अगर हम कड़ी में एक का गुणा कड़ी में एक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कैसे, क्यों, क्योंकि दो तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे इसकी घात एक बट्टे दो हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, एक बट्टे दो, और इसकी भी घात एक बट्टे दो, और एक घाते एक बट्टे दो प्लस एक बट्टे दो बराबर ए घाते दो बट्टे दो, माने ठीक है, फिर यहाँ पर होगा ए घाते एक बराबर ए। तो यह याद रखिएगा कि कर्णी का गुणा अगर कर्णी में करते हैं तो कर्णी टूट जाती है। मतलब अगर हमने यहाँ साफ देखा कि कर्णी में एक अगर हम स्क्वायर कर देंगे हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए। अच्छा, बार बार आपको कहना पड़ रहा है, शेयर कर दीजिए सभी लोग। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसके अलावा जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि कर्णी में, जैसे यहाँ पे कर्णी में ए है, नीचे हो गया कर्णी में ए प्लस कर्णी में बी, इसका परिमेयीकरण कैसे होगा, इसमें सेम प्रक्रिया होगी, ए गुणे, अब इसका चिन्ह बदल देते हैं, कर्णी में ए माइनस कर्णी में बी बटे कर्णी में ए प्लस कर्णी में बी गुणे कर्णी में ए माइनस कर्णी में बी, माने विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है, अंश और हर से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। इसमें ट्रिक आता है, वो ट्रिक मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर वो ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई तो परीक्षा में स्कोर कर लेंगे, नहीं बैठी तो कोई बात नहीं, अभी हम सवाल आएगा तो पे हमें करा देंगे। मतलब यहां तक आप लोग घातांक और कर्णी से चीजें समझ लिए हो तब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़े, क्योंकि यहां तक मुझे लगता है चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, इससे आगे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जरा बताइए कमेंट करके सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहा ना, बताइए कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें भी मैं कई अभी कई थ्योरम आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे मैं पढ़ा दूंगा। जैसे एक आता है सवाल, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, जैसे यहां पे आता है कड़ी में, जैसे यहां पे दे दिया जाए 9 प्लस 2 कड़ी में ये 45, यहां पे यही सवाल यहां पे ऐसे दे देगा, जैसे 11 माइनस 2 कड़ी में 18, इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आता है, इसका उत्तर पूछा जाता है, इसका उत्तर पूछा जाएगा डायरेक्ट कैसे आप लगाएंगे, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको हल करने का तरीका क्या है, को ध्यान समझिएगा। अब इसको हम दो टुकड़ा में ऐसा गुणा करते हैं, यहां पे देखिए थोड़ी सी गलती है, यहां पे कर लेते हैं हम लोग 20, इसको दो टुकड़े में ऐसे करिए जिसका गुणनफल अंदर आ जाए, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, एक 5 होगा एक 4 होगा, इसमें ऐसा गुणा करिए ताकि ये 9 हो गया ये 2 हो गया, इसका मतलब ये आपका है, इसका एकदम उत्तर ये हो जाएगा, ये है आपका कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 4, इसका आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा, कड़ी में 9, यहां माइनस है तो -9 और कड़ी में 2, ये इसका आंसर होगा। बाकी मेथड में आगे पढ़ाऊंगा ये कैसे निकला, कैसे बाहर आया, एक ऐसा गुणनखंड बताइए जिसका गुणनखंड ये अंदर आ जाए, और गलती से अगर 2 की जगह कुछ और आ जाए, जैसे आप अगर 4 आ जाता तो इसके अंदर, यहां अगर जितना 2 आएगा उसके अंदर भगा देंगे, आगे हम उसको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, परीक्षा में अगर ऐसे सवाल आएंगे तुरंत आप इसका देखिएगा ये विकल्प में उत्तर कहां पर है, और अगर आपने ये पढ़ लिया समझ लिया तो आपके प्रश्न पूरी तरह से कर लेंगे आप। तो मैं देख रहा हूं कि आपके टॉपिक धीरे धीरे खत्म होने का कगार पर ही, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब देखिए यहां पे कड़ी से कुछ नियम है, कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको भी हम लोग हल कर लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी चीजों को समझाने का।
देखिए आप सभी लोग जो लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के आपको उपलब्ध हैं। ये सभी क्लासेस जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चल रही है। मेरी क्लासेस निःशुल्क हैं, देशित में राष्ट्रित में हैं, और उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहां पे दिया है 3.125 के पूरे पावर 3/5 है, तो हमने आपने सीखा है इसको 3125 3/5 बिना दशमलव के माना, इसमें दशमलव नहीं है। फिर हमने लिखा 5 के पावर 5 3 घटे 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये, अगर यहां पे दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर ये दिया है कि यदि 3125 के घाते 3/5 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 के पावर 5 और पूरे के पावर 3/5, 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 के पावर 3 माने 125। तो इस तरह से परीक्षा में इसको हल किया है, इस तरह से इसको सॉल्व किया है ताकि आप तथ्यों को चीजों को समझ सकें। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप सब पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट नहीं है ना, कोई सवाल तो नहीं है ना, हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम और आगे बात करते हैं आपसे। यहां पे ध्यान दिया 1/64, 1/64 -6/4 है, ये भी मैंने आपको बताया है, इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। मैंने एक टर्म्स नहीं आपको समझाया था, उस टर्म में यहां सिखा दे रहा हूं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे 1 की पावर a/b है, अगर यहां पे इसके पावर अगर हमें -3 है, इसको हम लिख सकते हैं b/a कर देंगे, इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हमने यहां पे लिखा a के पावर -6 है, इसको लिख सकते हैं a घाते, मतलब हर को अंश में बदल देंगे, धनात्मक हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर ऐसा दिया है कि 1/a के घाते -7, हम इसको लिख सकते हैं a के घाते +7। तो ये तीनों थियरी समझ लीजिएगा, इस थियरी का आगे हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। काफी लंबी क्लास चल चुकी है, अभी और आगे आपकी लगातार चलती रहेगी। तो यहां तक थियरी आपको समझ में आ गई ना, कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, कैसे चीजों को रखा, अब आगे देखते हैं। तो यहां पर भी हमने सेम प्रयोग किया, यहां पे है 1/64 है, तो हम ये जानते हैं कि अगर 1/64 को हम लिख सकते हैं 2/6, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये -6 था, अगर इसको अंश को हर में पलट देंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो यहां पे -6 हो जाएगा। तो हमने देखा ये 6 4 4 से 2 से काट दिया तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर आएगा कि 36/4 और 2 के पावर 9 अर्थात 512 क्या हो जाएगा, 512। माने इसको हम पलट देंगे तो ये धनात्मक से ऋणात्मक में हो जाएगा और ऋणात्मक से धनात्मक में, बस ठीक। ठीक आगे चलते हैं, अगला है कर्णियों को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। अभी मैंने बताया कि कर्णियों को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। जैसे यहां पे दिया है कि कर्णी की घात 4, कर्णी घात 3, कर्णी घात 6, तो इसमें क्या करते हैं, इन कर्णी के घातों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, सभी को 12 बनाएंगे, और 12 बनाने के लिए यही आपको काम करना है। जैसे हमें 3 घात 3 के पावर 1/4, 2 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/6, अब इसको क्या करिएगा, सबको हर में 12 बनाने के लिए सभी पक्षों में गुणा करते चले जाइए। तो यह तरीका आपको इस्तेमाल करना है और आपको बताना है, और वही क्रम में ये मैंने पढ़ा दिया है। अब ये मत कहिएगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है या मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। यहां के आ रहा है 5 के पावर 5 कैसे हुआ, यहां 5 के पावर 5 कैसे हुआ, तो भैया देखिए जो 31,225 को 5 × 25 और 25 × 625 करेंगे तो 3125
625 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 3125। मान इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 5। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, 5 की पावर 5 कर देंगे। अब देखिए यहां पे आरोही क्रम में लिखिएगा। अब मैंने सिखा दिया, अब मत कहिएगा सर कैसे होगा, ये आपको बताना है आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, आरोही या आरोही क्रम में, ये आपकी जिम्मेदारी है। कड़ियों का जोड़ना घटाना ये भी एकदम आसान है। जैसे यहां पे दे दिया जाए 3 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 2, ठीक है, तो ये कड़ी समान है तो 5 3 8, तो 8 कड़ी में 2। बस अगर यहां पे दे दिया जाए 8 कड़ी में 2 माइनस 8 कड़ी में 2 माइनस 6 कड़ी में 2, 8 में 6 गया, 2 कड़ी में 2। तो यहां पर कड़ी का जोड़ कड़ी का घटाना हम और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कड़ी अगर आपस में बराबर है तो आप जोड़ घटा सकते हैं। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन पदी अगर है तो भी क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, अगर यहां पे तीन पदी है, गुणनखंड संबोधन गुणनखंड जोड़ घटा, जैसे 75 है, 75 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 गुणे 3 तो 5 कड़ी में 3, 48 को 4 कड़ी में 3, 12 को 2 कड़ी में 3 जुड़ जाएगा, 5 4 9 2 11, 11 कड़ी में 3। तो चाहे जितनी कड़ी बन जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, चाहे जितना हो जाए उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहां पे दिया है 80 है, 80 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 80 को लिख सकते हैं हम लोग 4 कड़ी में 5, 345 है, बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 345 बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 7 3 21 21 कड़ी 5 और 125 5 कड़ी में 5, तो अब यहां पे हो जाएगा 21 4 25, 25 में से 5 गया, 20 कड़ी में 5। तो यहां पर इस तरह के जो सवाल होंगे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये कहानी से जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आगे चलते हैं। कड़ियों का गुणा कैसे होगा, देखिए कड़ी का गुणा कैसे करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कड़ियों को परस्पर गुणा करने के लिए, तो गुणा करने की भी मेथड मैंने एकदम एक लाइन ऊपर समझा दिया था कि कैसे इसका गुणा करेंगे। गुणनफल याद करने के लिए सेम जो लसम ऐसा का प्रक्रिया है, सबको कड़ी की घात बराबर कर लीजिए, अंदर सबका गुणा कर दीजिए, कड़ी घात वही लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको उसको समझाना चाहे तो मैं अपने मेथड से समझाऊं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे समझना है, देखिए यहां पे ध्यान देना है आप सभी को, जैसे यहां पे है कड़ी में 5, यहां पर क्या है 6 कड़ी घात 6 है, फिर यहां है 4 कड़ी घात 3 है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो यहां देखिएगा 2 गुणे 6 करेंगे तब कड़ी में 5 आएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या करिए, घातांक 6 लगाइए, फिर यहां पे ध्यान दीजिए है 6 है, यहां पे 6 है तो 2 करना 1 करना होगा, 6 घात 1 हो गया। फिर हमने देखा यहां पर 4 है, यहां 3 है जिसको 6 बनाना है, यहां पर दीजिएगा, एक मिनट गलती हो गई, यहां पे एलसीएम 6 आएगा ना, एलसीएम 6 आएगा तो 3 करेंगे, यहां पे 3 है तो गुणे 2 करेंगे, यहां पे 2। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे कर्णी की घात क्या हो गई 6, अंदर क्या हो गया 5 घात 3 है 125, फिर यहां पे 6 घात 1 है तो 6 कड़ी में 6, फिर 4 चौके 16 कड़ी में 6। अब हम कड़ी में 6 सबका आ गया, इनका गुणा करना है, तो जब इनका गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, कड़ी की घात 6 है तो 125 गुणे 6 गुणे 16, बस इसका उत्तर है। इस प्रकार से हम कड़ियों का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था इसका छोटी कड़ी बड़ी कड़ी ज्ञात करना, कौन से आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, वही मेथड का प्रयोग आपको यहां भी करना है। ठीक, कड़ियों का भाग सेम प्रक्रिया है,
काढ़े का भाग भी उसे लगेगा। जैसे 12 × 4 का बटे 1/3, फिर 3 × 2, इनको भाग कैसे लगेगा, आइए ध्यान से देखते हैं। इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 × 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 क्या हो जाएगी, 3 कड़ी घात क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, ये हो गया। इसको भाग देना है किससे, 3 × 2 से। तो हल कैसे करेंगे इसको, अब इसको हल करने का तरीका यहाँ पे है। इसको अपने मेथड जैसा मेथड मैंने बताया था उस मेथड से हल करिए, दोनों अंश आपस बराबर कर लीजिए या इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। इससे सरल कोई तरीका हो तो बताइए। इसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 12 × 3/4 यहाँ पे 3 × 2, तो ये 3 से काट देंगे यहाँ पे, तो 3 × 4 = 12, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, 4 × 3/4 यहाँ पे 2 चाहे तो इसके परिमेयीकरण कर दीजिए। जब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 कर देंगे यहाँ पे, मतलब गणित परिमेयीकरण तो होगा नहीं। अब यहाँ इसको लगाना आपके लिए ज्यादा आसान हो गया, अब बस हर बराबर कर दीजिए, अब दोनों को भाग दे दीजिए और पूरी कर्णी लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसको भी 3 कर दीजिए, अब इसको भी 3 कर दीजिए। इसको 3 करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 6 करना है ना, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसको हल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना आपको कर्णी आ जाएगा, अगर कर्णी को क्या करना है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि हमेशा इसके विपरीत चिन्हों से गुणा करना। जैसे हम 1/a + b है तो यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे, माइनस होता है प्लस, इसे कहते हैं परिमेयीकरण करना। क्या होता है, परिमेयीकरण करना, विपरीत चिन्ह से हमेशा गुणा करते हैं। धन होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर एक सवाल आता है, बहुत ध्यान दिखेगा, अगर सवाल में जैसे यहां पे आ जाए कर्णी में 4 − 3/4 + 3, इसका उत्तर क्या होगा, एक लाइन में याद कर लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। इसको करना क्या है, 1 + b माने 4 + 3 − 2 × 4 × 3/4 − 1, बस यही इसका उत्तर होगा। मतलब 4 × 3 = 7 − 2 × 12, यही इसका आंसर। माने बिना पेन उठाए आप इसको बिना परिमेयीकरण करे आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप ये तरीका पता है तो आप इसे हल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस केवल अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस करिएगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस करना है। इतनी बातें अगर आपको याद है तो आपको परीक्षा में कोई माइका लाल नहीं जो आपको समय तोड़ सके। ठीक है, एकदम आसान तरीका है इसका। अच्छा, 4 में से 3 जाएगा ना। ठीक है, यहां पे कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपको पता चले, एकदम देख रहे हैं, एकदम आसान तरीका, बिना किसी परिमेयीकरण करना, एक्स वाई मानना, a + b − 2 × ab, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, बस a + b दोनों में रहेगा, 2√ab ab। अगर मैं सवाल एक तो आपको दे रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए एक सवाल है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा सबको, इसको कैसे हल करना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्लस है, जब प्लस होगा तो a + b माने 5 × 3 = 8 प्लस 2 × 5 = 15, 5 में से 3 = 2, इसका उत्तर हो गया, यह इसका उत्तर है। अब इसके उत्तर को और अगर आसान करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए 5 × 3 = 8 हो गया, 2 × a b हो गया माने 5 × 3 = 15 हो गया। अब यहां अगर ऊपर 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 4 + 15/2, 2 से कट गया तो आपका क्या बचेगा, 4 + 15 = 15। एकदम आसान ट्रिक, ठीक है, एकदम आसान भाषा में ट्रिकी है आपके लिए, चाहे तो आप इसे जैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना होगा, हमेशा ये परीक्षा में काम लेगा। ठीक है, लास्ट में देख रहे हैं, यही आया 4 × 15 = 8, देखिए यहां पे इसका उत्तर आ गया था, अब यहां पे 2 कॉमन ले लिया, ये 2 से कैंसिल हो गया, 4 + 15 = 15 बचा। ठीक है, कोई डाउट किसी को,
और आगे चलते हैं। अब यहां सेम प्रक्रिया है, माइनस करके है, अब देखिए माइनस वाला है। अब यहां पे क्या है, सात पांच बारह माइनस दो कर्णी में सात पचे पैंतीस, अब सात में से पांच गया दो, बस यही आपका उत्तर हो गया। अब इसमें दो कॉमन ले लीजिए आप, तो ऊपर क्या हो जाएगा, छह माइनस कर्णी में पैंतीस बटे दो, दो दो से कट गया, तो छह कर्णी में छह माइनस कर्णी में पैंतीस, ये आपका आंसर हो गया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं, जिसको जाना जाए, जिसको पढ़ना है पढ़े, बाकी आप लोग की मर्जी, मेरा काम जो है वो मैं करता जा रहा हूं, अब आप लोग का काम जो है वो आप करते जाइए। मेरा उद्देश्य है कि आपको हर हाल में सिलेक्शन दिलाना, और हम उस पर ही काम कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी एक्सोल में नहीं आ रहा, इससे क्या बताएं, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ाए तो आप बताइएगा। अब यहां पे जैसे एक सवाल है कि बार बार कर्णी में पी 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 अगर आ जाए, तो इसको करना क्या है, ध्यान रहे कितनी बार कर्णी है, जैसे एक बार दो तीन चार कर्णी है, तो इसको हल करने के लिए एक तरीका होता है। जैसे यहां पे दे दिया, जैसे यहां पे छह कर्णी में छह कर्णी में छह कर्णी में छह, मैंने कर्णी के अंदर कर्णी के अंदर कर्णी है, इसको करना क्या है, हमें एक लाइन में याद रखना होगा, छह हो गया, इसके पावर दो याद रखना है, दो दो के पावर जितनी बार कर्णी है, चार बार माइनस एक, और नीचे माइनस एक नहीं करना है, दो घाते चार, बस। तो ये हो जाएगा छह घाते पंद्रह बटे सोलह, हमेशा ऊपर वाला एक कम हो जाता है, बस पंद्रह घाते पंद्रह, मतलब सोलह घाते पंद्रह बटे सोलह। जैसे यहां पर आ जाए कर्णी घाते, जैसे यहां पे आ जाए सात, फिर कर्णी घाते सात, फिर कर्णी घाते सात, अगर ये सवाल आपका आ जाए, कुछ नहीं करना है, सात घाते तो दो घाते तीन माइनस एक और दो घाते तीन, तो सात के पावर दो का आठ होगा, आठ में से एक गया, सात बटे आठ, बस इसका उत्तर हो गया। माने जब कर्णी के अंदर कर्णी हो तब वहां पे अगर आपको मान निकालना हो तो यही तरीका आपको याद करना होगा, इजाद करना होगा, ठीक है। हम और आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला देखिएगा, अब यहां पे एक फॉर्मूला और है। जैसे अगर प्लस प्लस में है, जैसे कर्णी पी प्लस कर्णी पी प्लस कर्णी पी प्लस कर्णी पी, इस तरह का अगर सवाल आएगा तो हम क्या कहते हैं, x प्लस x प्लस वन, मैंने पी ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड क्रमिक रूप से अभिष्ट उत्तर होगा, मतलब यहां पर क्या होगा, उत्तर इसका x प्लस वन होगा। आइए इसको भी हल करके देखते हैं, लेकिन अगर माइनस में होगा तब क्या होगा, आइए देखते हैं इसके दो गुणनखंड कैसे कैसे लगते हैं। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हमें लगाना कैसे है, अब आप मुद्दे की बात समझने वाले हैं। अब इसके दो गुणनखंड करेंगे, बारह के एक चार गुणे तीन हो जाएगा, अगर धनात्मक है तो याद रहे, देखिए चार प्लस तीन है तो यहां पर प्लस चार और माइनस तीन, इसका उत्तर क्या होगा, धनात्मक है तो चार इसका उत्तर हो जाएगा, बस याद रखिएगा, सभी लोग हमेशा याद रखिएगा, सभी लोग हमेशा याद रखिएगा, एक के अंतर पर इसका बनता है, हमेशा एक के अंतर पर, एक के अंतराल पर क्रमागत बनता है। अगर ये माइनस होगा तब, जैसे यहां बहत्तर है, अगर बहत्तर को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक नौ एक आठ, ये माइनस में है तो ध्यान रहे इसका दो उत्तर होगा, कि पहला क्या होगा, ये नौ है और ये आठ है, और ये माइनस है तो एक हो जाएगा प्लस आठ माइनस नौ, चार प्लस तीन बड़ा प्लस होता है ना, प्लस प्लस नौ होगा और माइनस आठ, उत्तर किसका पूछा है, उत्तर नौ का माइनस वाले का, इसका उत्तर क्या होगा, आठ, इसका उत्तर क्या होगा, आठ, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आठ होगा, छोटा माइनस में छोटा वाला और प्लस में बड़ा वाला याद रखिएगा, प्लस में बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला, बस इतना याद रखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं, ऐसे सवाल जब भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अनंत का चिन्ह होना चाहिए, अनंत का चिन्ह होना चाहिए, कौन सा चिन्ह, अनंत का चिन्ह होना चाहिए, ठीक, मतलब ये ट्रिक।
सीधा परीक्षा में जाइएगा, ऐसे सवाल आएंगे तुरंत उत्तर लगाइए। लेकिन अब और उसके अलावा भी कुछ है, जैसे यहां पे दिया जाए कि 10 + 10 + 10 + 10, तो इसमें इस तरह के सवालों क्या आते हैं ऐसी जिनके दो गुणनखंड क्रमिक रूप से नहीं, जिसके गुणनखंड नहीं से 10 + 10 + 10 है, तो इस प्रकार व्यंजन को क्या करते हैं इनके दोनों, तो इस प्रकार व्यंजन को मानकर दोनों ओर के पदों का वर्ग करके उत्तर ज्ञात करते हैं, तब इसके लिए क्या करना होता है, तब इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कौन सी प्रक्रिया होगी। तब यहां पे सिद्धराचार का नियम लगता है, तब यहां पे क्या होता है सिद्धराचार का नियम लगता है, तो यह हो जाएगा इसको सीधा सीधा मान लीजिएगा, तब ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक बार वर्क करेंगे माइनस एक्स माइनस दस, फिर सिद्धराचार का नियम बनता है, सिद्धराचार का नियम लगता है, ठीक है। उसके बाद तब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ऐसा सवाल आपके परीक्षा में प्राय नहीं पूछा जाता है, अनंत नहीं होगा सवाल आएगा तो बताएंगे, अभी अनंत नहीं होगा सवाल अभी आएगा भैया, अभी अभी शुरू तो किए हैं, अभी जब नहीं होगा तब भी बताएंगे आगे क्या होगा। अब देखिए यहां पे सब सवाल आ चुका है, ठीक है, अब इन सभी सवालों का करना है हम लोग को हल करना है। अब बताइए क्या किया जाए, काफी लंबी क्लास हो चुकी है, ठीक है, अब इसके बाद अगली क्लास कुछ देर के बाद होगी, उसकी लिंक हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइएगा। देखिए टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पर दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग पर दुर्गेश पर, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, इसकी अगली क्लास जो होगी कुछ देर के बाद होगी, उसका लिंक हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराज एन से चल रही है, ठीक है। हाँ हम भी थोड़ा पानी वगैरह पी लें, अगली लिंक जो होगी टेलीग्राम पे दे देंगे, अगली अगली जो सीरीज होगी उसमें गणित पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगली जो सीरीज होगी उसकी में आपका जो पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आप अपने सभी साथियों के साथ लाइव रहिएगा। किसी के मन में कोई दिक्कत हो तो कोई समस्या हो पूछ सकता है, ठीक है, यहां से बताइए आप लोग। तैयार है आप लोग, उसके बाद हम लोग प्रश्न बैंक को हल करेंगे। अब किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यहां तक जितना लोगों ने पढ़ा है अगर इसके मन में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग तैयार रहिएगा, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बैंक को हल करना है, थ्योरी जितनी थी वो मैंने पढ़ा दी, अब हम लोग को क्या करना है अगले चरण में जब चलेंगे तो हम लोग को क्या करना है प्रश्न बैंक केवल हल करने हैं, थ्योरी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दी। कुछ बच्चों के जैसे औसत बचा होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या है, एकिक नियम बचा है, काम समय बचा है, चाल समय चालू दूरी बचा है, रेलगाड़ी बचा है, रुपया पैसा बचा है, इकाई मापन बचा है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनके जो टॉपिक है वो अगली सीरीज में पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप सभी लोग को इस क्लास के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहना होगा, आप सभी अपने सभी साथी मित्रों के साथ तैयार रहिएगा, ठीक है।
ठीक है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जो क्लास चलेगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी संख्या भी काफी कम होती जा रही है, तो आप सभी लोग इसमें जुड़ जाइएगा। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। ठीक है, टाइम आपको दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं और इन प्रश्नों को हल करके इसका उत्तर बताइएगा। यहाँ पे जो सवाल है, इस सवालों के सभी लोग जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए क्रमवार रूप से। फिर हम जब दोबारा आएंगे तब हम इस तथ्य को हल करेंगे एकदम ट्रिक के मेथड से, कि ट्रिकी सवाल को कैसे हल किया जाता है, फुली ट्रिक, जितना ज्यादा आप समझते हैं पूरे ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बाय बाय, थैंक यू। अगली क्लास में जरूर रहिएगा, छोड़िएगा मत क्लास। ये 5 सवाल आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, इनके सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने साथी मित्रों के साथ जोड़कर पढ़िएगा अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास अभी कुछ देर के बाद होगी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।